प्रीवियस लेक्चर में हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम स्टडी किया था। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि कोई मॉलिक्यूल कितनी तरह से चलने के लिए आजाद है, ठीक है। मतलब कि द डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम डिफाइन करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ द कोऑर्डिनेट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यू कैन से व्हिच आर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई या स्पेसिफाई द कंडीशन ऑफ द पोजिशन ऑफ ए सिस्टम, ठीक है, उसको हम उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल देंगे। या इसको सिंपल भाषा में मैंने समझाया था कि अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, मान लो इस तरह से कोई मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल है या एटम है। अब अगर ये एटम हवा के अंदर है, दिस मॉलिक्यूल हैज थ्री पॉसिबिलिटीज, ठीक है। या तो ये एक्स में चल सकता है विद वेलोसिटी वी एक्स, ये मॉलिक्यूल विद वेलोसिटी वी वाई वाई में चल सकता है, और विद वेलोसिटी वी जेड ये जेड में चल सकता है। यानी कि दिस मॉलिक्यूल हैज थ्री डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यानी ये तीन तरह से चलने के लिए आजाद है, राइट। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, क्लियर बात। अब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हम किसी गैस मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल डायटॉमिक गैस है या मोनोटॉमिक गैस है या फिर ट्राइटॉमिक गैस है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने, एफ इज इक्वल टू थ्री एन माइनस आर, वेयर एन स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स। एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया और आर क्या होगा उसका रिस्ट्रिक्शन हो गया। ये आर जो है इसको गैस कॉन्स्टेंट नहीं पड़ेंगे, ये गैस कॉन्स्टेंट नहीं है, इसको हम रिस्ट्रिक्शन बोल देते हैं इन ए पर्टिकुलर रिलेशन, या ऐसा रिलेशन बोल दो आप कि किसी गैस मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम जो होंगे उनके एटम्स के बीच का क्या रिलेशन है, काइंड ऑफ बॉन्ड, राइट। तो ये हमारा आर हो गया। तो आर अब डिपेंड करता है कि मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है डायटॉमिक है, कैसा गैस मॉलिक्यूल है। अगर मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है तो उसके लिए आर की वैल्यू क्या थी, मोनोटॉमिक के लिए आर की वैल्यू थी, और मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल द आर वाज इक्वल टू जीरो, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या थी हमारे पास, वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई थी 3 × 1 दैट इज 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आई थी, क्योंकि नंबर ऑफ एटम कितने होने वाले हैं मोनोटॉमिक में, 1 होने वाला है, ठीक है। फॉर डायटॉमिक गैस के लिए नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, डायटॉमिक के लिए एफ की वैल्यू आई थी हमारे पास 5 क्यों आई थी, क्योंकि दो एटम इसके पास, डायटॉमिक का मतलब हो गया जैसे मान लो H2 गैस है या O2 गैस है या N2 गैस है ना, तो ये जो गैसेस है इनमें दो एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं, दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन दो नाइट्रोजन, दो एटम है तो नंबर ऑफ एटम कितने बन गए फॉर्मूला वाइज, 2 बन गए। अब इसमें रिस्ट्रिक्शन कितने होगी, जैसे मैं इसका एक मॉलिक्यूल बनाता हूँ हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बन गया, राइट। नाउ देयर इज वन बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड है, यानी ये एटम जो होगा इस एटम की तरफ फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा, सिमिलरली ये वाला एटम इस एटम की तरफ फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा, तो ये दोनों एटम आपस में बंधे हुए बाउंडेड है, राइट। सो यहां पे कितने रिस्ट्रिक्शन है, आर इज इक्वल टू 1, तो -1 कर देंगे तो 6 - 1 दैट इज 5। ऐसे ही मैंने ट्राइएटॉमिक के लिए बताया था, फॉर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल अगर हमारे पास लीनियर है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई थी, लीनियर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम थी 7, इट वाज 7, और नॉन लीनियर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आई थी हमारे पास 6 आई थी, ठीक है, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम आई थी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कि कोई मॉलिक्यूल कितनी तरह से चलने के लिए फ्री है, वो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, राइट। तो ये वेरियस गैस के लिए हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम कल कैलकुलेट कर रही थी, एक बार मैंने फिर से बता दिया, मोनो के लिए 3 आएगी, डाई के लिए 5 आएगी, और ट्राइटॉमिक के लिए 7 लीटर केस में, और नॉन लीटर वाले केस में 6 बनेगी। अब ये जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने निकाल के दिखाई है, दे ऑल आर एट मॉडरेट टेम्परेचर पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है, हाई टेम्परेचर पर नहीं है। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो वहां पे वाइब्रेशनल एनर्जी भी एड ऑन हो जाती है, जिससे डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज कर जाती है, ठीक है। तो ये मैंने कल आपको बता दिया था। अब आज हम लोग करने वाले हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, नोट करो, हेडिंग लगाओ, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सिलेबस, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इस लॉ में क्या लिखा गया है, इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी, इक्वी मतलब इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी, यानी ये एनर्जी का डिवीजन कैसा होगा, इक्वल होगा, एनर्जी का डिवीजन इक्वल होगा। जैसे सपोज करो मेरे पास एक गैस मॉलिक्यूल है,
ये गैस एटम है, राइट। अब इस गैस एटम के पास में सपोज कर लो 90 जूल्स एनर्जी है, इस गैस के पास में टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी हैज से 90 जूल, एग्जांपल तौर पर मान लो। और ये मोनोटॉमिक गैस है, मोनोटॉमिक गैस है। अब ये लॉ कहता है कि जो ये 90 जूल की एनर्जी है, ये 90 जूल की एनर्जी इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में बराबर डिवाइड हो जाएगी, यानी कि 90 जूल की एनर्जी हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में बराबर डिवाइड होगी। कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तीन, यानी इसके तीन टुकड़े बन जाएंगे, यानी 30 जूल अलोंग एक्स साइड, 30 जूल अलोंग वाई साइड एंड 30 अलोंग जेड साइड। दिस ओवरऑल एनर्जी, टोटल एनर्जी विल बी इक्वली शेयर्ड अमंगस्ट इट्स वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। जितनी मॉलिक्यूल के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उस डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी टोटल बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। क्लियर है बात? तो इक्वली डिवीजन, यानी इक्वल डिवीजन ऑफ द एनर्जी, यानी इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का इक्वल पार्टीशन कर देना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एनर्जी विल बी इक्वली डिवाइडेड अमंगस्ट द वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी है। और ये नेचर में बड़े सही तरीके से काम करता है। जैसे मेरे पास मान लो कोई डिब्बा है, और डिब्बे में मैंने गैस मॉलिक्यूल भर दिए, राइट। अब इन गैस मॉलिक्यूल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो कितनी होती है, 3/2 kT। मैंने इसे शायद काइनेटिक एनर्जी बोला था, और मैंने कल ये भी क्लियर किया था कि इसको कुछ लोग एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल भी बोल देते हैं। दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, यस और नो? और अगर पर मोल देखना, पर मोल एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल क्या आई थी, इट वॉज 3/2 RT। जब मोल की बात करने तो आर वाला फॉर्मूला चलेगा, और अगर मॉलिक्यूल के लिए बात करने तो के वाला फॉर्मूला चलेगा। तो दिस इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, 3/2 kT। व्हाट इज 3 हियर? दिस इज द टोटल एनर्जी, बाय द वे दिस इज द टोटल एनर्जी अवेलेबल फॉर अ गैस मॉलिक्यूल। यानी यहां जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स के पास में, एक मॉलिक्यूल के पास में कितनी एवरेज एनर्जी है, 3/2 kT बराबर है। तो अगर मैंने इसको एनर्जी दी, पूरे सिस्टम को एनर्जी दी, तो पर मॉलिक्यूल एनर्जी कैसे मिलेगी, इक्वली डिवाइड हो जाएगी। अगर मैंने इसको 90 जूल की एनर्जी दी इस पूरी गैस को, तो ये 90 जूल की एनर्जी इस गैस के जितने मॉलिक्यूल होंगे उनकी हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में बराबर शेयर हो जाएगी। अब एक मॉलिक्यूल की मैं बात करूं, तो एक मॉलिक्यूल के लिए, एक मॉलिक्यूल मैंने यहां पर लिया था, या एक एटम लिया था, एक एटम के पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यस और नो? एक एटम के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो इसके कितने हिस्से बना दिए मैंने बराबर, 3 हिस्से बना दिए टोटल एनर्जी के। अगर यही 90 जूल की एनर्जी मैं इसको दे दूं, डायटॉमिक दे दूं, 90 जूल की एनर्जी, तो उससे कितने टुकड़े होंगे, 5/5, यानी हर एक मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी आएगी, 90/5, यस और नो? टोटल एनर्जी इज इक्वली शेयर्ड, टोटल एनर्जी इक्वली शेयर्ड बिटवीन अमंगस्ट द वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल। हर एक मॉलिक्यूल के लिए, हर एक मॉलिक्यूल को बराबर एनर्जी जो है वो मिलने वाली है। अब इसका डेफिनेशन बुक में कैसे लिखते हैं, ये तो मैंने बताया, बहुत सिंपल लॉ है, मैं फिर से बोल देता हूं। टोटल जो एनर्जी होगी सिस्टम के पास में, वो एनर्जी हर एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में बराबर बढ़ जाएगी पर मॉलिक्यूल। Yes or no? Yes. Total energy will be equally divided between the various degrees of freedom, yeah, among the various degrees of freedom per molecule. Per molecule, एक molecule के ऊपर, एक molecule के पास में जितने भी degrees of freedom होगी, total energy उसकी सभी degrees of freedom में बराबर बढ़ जाएगी। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, तो यहाँ पे energy कितनी बढ़ेगी? अगर वो 90 joule वाला example देखें, तो 90/7 हो जाएगी। 90/7, 90/7, 90/7, 90/7, 90/7, 90/7 जितने भी साथ होंगे ना, इन सभी में एनर्जी विल बी इक्वली डिवाइडेड पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल। क्लियर है बात? क्लियर बात? इसका स्टेटमेंट लिखो, राइट ऑन द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ, द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ, नोट करो। अब ये बुकिश लैंग्वेज में लिखने जा रहा हूं, द स्टेटमेंट फॉर, ये डेफिनेशन बोल दो इसको, फॉर ए सिस्टम, फॉर ए डायनामिकल सिस्टम, डायनामिकल सिस्टम, डायनामिकल का मतलब होता है मोशन, फॉर ए डायनामिकल सिस्टम, क्योंकि हमने डिब्बा ले लिया, डिब्बे में गैस भर दी और गैस के मॉलिक्यूल्स का रेंडम मोशन हो रहा है, डायनामिकल सिस्टम बोल दिया हमने उसको। फॉर ए डायनामिकल सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम, इन थर्मल इक्विलिब्रियम,
इन थर्मल इक्विलिब्रियम द टोटल एनर्जी, द टोटल एनर्जी इज इक्वली, द टोटल एनर्जी इज इक्वली डिवाइडेड अमंगस्ट इट्स वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड एनर्जी, एनर्जी एसोसिएटेड विद वन मॉलिक्यूल, विद वन मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1/2 kT। ये है, लिखना यही है आपको स्टेटमेंट। एग्जाम में आता ना कि डिफाइन या स्टेट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लिखना यही है आपको। आपका एक्सप्रेशन बहुत मैटर करने वाला है कि आप कैसे लिखते हैं, राइट। अब जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है कि फॉर ए डायनेमिकल सिस्टम, कोई सिस्टम मेरे पास में है जो कि मोशन में है, राइट। सिस्टम मतलब कोई गैस सिस्टम है, कंटेनर है, उसमें गैस भरी हुई है और गैस के पार्टिकल्स रैंडम मोशन में है। इन थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर उसका क्या रहना चाहिए, कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग, राइट। द टोटल एनर्जी इज इक्वली डिवाइडेड, टोटल एनर्जी इज इक्वली डिवाइडेड अमंग्स इट्स वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड एनर्जी associated with one molecule per degree of freedom, per degree of freedom is 1/2 kT, per molecule per degree of freedom, per molecule per degree of freedom, एक molecule के ऊपर और उसके एक degree of freedom के पास energy कितनी होगी, 1/2 kT होगी। ये लिखने का तरीका ऐसे ही है, बाकी जो मैं समझा रहा हूँ आपको कि भाई मेरे पास अगर 90 जूल एनर्जी है और एक मॉलिक्यूल है मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है, उसके 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो एक मॉलिक्यूल की 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो एक मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी है, 90 जूल की एनर्जी है, उसकी वो जो एनर्जी होगी वो एनर्जी इसकी अलग अलग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में बराबर बढ़ जाएगी। ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का इक्वल पार्टीशन। क्लियर है बात, कोई डाउट इसके अंदर? देखो मैंने बोला था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जिसको मैं ऐसे लिखने जा रहा हूं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना आया था हमारे पास, 3/2 kT आया था, 3/2 kT आया था, ठीक है। क्या एवरेज काइनेटिक एनर्जी को मैं ऐसे लिख दूं, 1/2 m इंटू वी बार का स्क्वायर, बोलो। देखो फिजिक्स में ना एवरेज, ये जो मैंने यहां पे लिखा ना वी स्क्वायर करके ऐसे, इसको हम फिजिक्स में क्या लिखते हैं, दिस इज नोन एज दी मीन स्क्वायर स्पीड, इसको हम मीन स्क्वायर स्पीड बोलते हैं। और जो बार लगाते हैं ना, किसी लेटर के मैंने खोपड़ी पे बार लगा दिया, इसका मतलब होता है कि ये उसका एवरेज रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी इट इज द एवरेज ऑफ द एक्स या मीन ऑफ द एक्स। क्लास 10th में आप करते होगे ना कि जैसे कोई नंबर गिवन है, x1 x2 x3 गिवन है और आपको बोला गया कि भाई इसका मीन निकालो, तो x मीन कैसे निकलता था, ऐसे लिखते थे आप उसको और x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 करते थे। मतलब मैथ में एक रिप्रेजेंटेशन है, कुछ बुक्स में ऐसे सिर के ऊपर बार लगाते हैं, कुछ बुक्स में इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे पैरेंथेसिस में लिखते हैं, ये कंप्यूटर की भाषा है जो पैरेंथेसिस इसको बोलते हैं, अलग किस्म की ब्रैकेट है, कई बार ऐसे भी लिखते हैं। तो ये मीन वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल है, कुछ बुक्स में ऐसे लिखा होगा इसलिए मैं आपको पहले से बता रहा हूं। तो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी को मैंने ऐसे लिख दिया, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। क्या इसको ऐसे लिखना सही रहेगा, 1/2 m इंटू अब v बार स्क्वायर को, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई गैस मॉलिक्यूल है, ये गैस मॉलिक्यूल है, इसकी वेलोसिटी v है, तो इसके पास इसके तीन कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट बनेगा ये वाला vx, ये वाला vy, ये वाला vz। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, v इज इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप, लिख सकते हैं। और मैंने बोला था अगर कोई मॉलिक्यूल सिंगल है तो उसकी एक्स वाई जेड में जाने की प्रोबेबिलिटी सेम है, और इस बेसिस मैंने बोला था कि vx इक्वल टू vy इक्वल टू vz,
काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट में ये पॉइंट लिखवाया था आपको, वो सारे पोस्टुलेट के बेस पे ये सारा कुछ चल रहा है। अगर वो पोस्टुलेट ना आप अज्यूम करो तो इस थ्योरी में कोई लॉजिक नहीं है, कोई सिर पैर नहीं है, फिर इसमें कॉन्ट्रोडिक्शन ही कॉन्ट्रोडिक्शन है। लेकिन उन पोस्टुलेट के बेस पे ये सारी चीजें बनी हुई है, ठीक है। तो पोस्टुलेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सब किसके लिए, आइडियल गैसेस के लिए, जो नॉर्मली एग्जिस्ट करते ही नहीं, नॉर्मल कंडीशन में एग्जिस्ट करते ही नहीं, राइट। सो इसको मैं ऐसे लिखने जा रहा हूं, वी एक्स का स्क्वायर बार लगा दे इसके ऊपर, प्लस वी वाई का स्क्वायर बार, प्लस वी जेड का स्क्वायर और बार, इक्वल टू 3/2 के टी। बोलो, अरे ये एवरेज वी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यहां से देखो यार तुम कंफ्यूज हो रहे हो फालतू में, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू, इसका अगर मोड निकाल दो, इसका मोड निकाल दो, मोड की वैल्यू क्या बनेगी, बोलो, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, कितना लोग पता है, यही बनने वाली है, पैरेललोग्राम में सिखाया था मैंने, r वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस b, अगर हो जाए तो हम क्या लिखते थे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट में लिखते थे, वही चीज है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया भाई, इसको अब मैं अगर ऐसे कर दूं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी इशू विद दिस थिंग, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लो, बिकॉज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी और इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखो ये ऐसे लिखा जाएगा, v स्क्वायर इसका स्क्वायरिंग कर दो मैं, तो ये बन गया क्या, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। अगर मैं इसको एवरेज की फॉर्म में लिखूं, एवरेज क्या, एवरेज ऐसे आएगा, वही चीज लिखिए, v बार स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच, इसको मैंने ऐसे लिख दिया इस चीज को, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। चलो तो 1/2 m × vx इसका बार का स्क्वायर प्लस 1/2 m by अकेले के लिए कर दिया मैंने, प्लस 1/2 m bz स्क्वायर बार इज इक्वल टू क्या, इसको ऐसे कर दूं 1/2 kt प्लस 1/2 kt प्लस इस डिग्री और इस अमाउंट इस डायरेक्शन में, ये एक डायरेक्शन है ना, सिंगल मॉलिक्यूल है, इसकी डायरेक्शन x y और z, इस डायरेक्शन में यानी x डायरेक्शन की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, सॉरी एनर्जी कितनी है, 1/2 kt, y की एनर्जी कितनी है, z की एनर्जी कितनी है, इक्वली डिवाइड हो गई, इक्वली डिवाइड हो गई, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, द एनर्जी विल बी इक्वली डिवाइडेड पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम द एनर्जी इज इक्वली डिवाइडेड। क्लियर बात, कोई डाउट इसके अंदर, अगर अब इसी बेसिस में मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, कंसेप्ट क्या है तो ध्यान से नोटिस करेंगे, कंसेप्ट ये सॉरी द कंसेप्ट इज कि अगर हमारे पास फॉर वन मॉलिक्यूल द डिग्री ऑफ फ्रीडम सॉरी फॉर वन मॉलिक्यूल द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kt, यही आया था। अब यहां पे ध्यान से देखना, 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, क्या 3 यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, कि मॉलिक्यूल सिंगल मॉलिक्यूल है तो उसकी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 1, 2, 3 एक्स वाई जेड, तो ये 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर फॉर वन मॉलिक्यूल हैविंग एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, F degrees of freedom. मैं क्या इसको ऐसे लिखूं? F by 2 into kt. और कई बार for n moles या for one mole क्या ये फॉर्मूला हमारा ये बन जाएगा? देखो ध्यान से F by 2 RT. You are very intelligent. अगर if you are getting this thing, for one mole, एक molecule के लिए इतना, एक mole में कितने molecules होते हैं? आप अगर get रहे हो? यानी अगर मैं इसको इस तरह को ऐसे लिख दूँ, equal to F by 2 k into t into na. आप अगर get रहे हो number? एक mole में, आप अगर get रहे हो number? क्या k into na? क्या k into na? मैंने R पढ़ाया था आपको? Yes sir.
अरे ऐसे नहीं बात है ना, याद आ रहा है, वही चीज है। तो इसको हम k इंटू एन ए को क्या ले सकते हैं, आ सकते हैं एफ बाई टू आर टी बोल सकते हैं। और अगर n मोल्स है, फॉर n मोल्स के लिए यही फॉर्मूला क्या बनेगा, n एफ आर टी बाई टू, बोलो क्लियर है, n मोल्स के लिए, n मोल्स के लिए n एफ आर टी बाई टू। जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है, लेक्चर नंबर वन लेक्चर नंबर टू ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, उसको आप जरूर चेक कर सकते हो और उसके बेसिस पे आपका ये सारा क्लियर हो जाना है। ऑलराइट, सो एन एफ आर टी बाय टू, दिस इज व्हाट फॉर एन मोल्स, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एन मोल्स के लिए काइनेटिक एनर्जी, एन मोल्स के लिए काइनेटिक एनर्जी, यस और नो। अब आगे बढ़ते हैं, नोट करो नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन, नोट करो, रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट्स एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिलेशन बिटवीन गामा एंड एफ, वेरी इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन एग्जाम में आती है, रिलेशन बिटवीन गामा एंड एफ। गामा इज व्हाट, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, गामा की वैल्यू क्या होती है, गामा इज इक्वल टू सीपी बाय सीपी, सीपी इज व्हाट, द मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, सीपी इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और एफ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो बेटा हमें ये रिलेशन निकालना है, यहां पे रिलेशन कौन सा निकालना है, टू प्रूफ गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाय एफ, ये रिलेशन हमें प्रूफ करना है, एग्जाम में आता है ये, और इसके बेसिस पे अलग अलग गैस के लिए हम लोग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहां पुट करके गामा निकाल सकते हैं। तो जब आपसे मैंने पूछ लिया कि फाइंड आउट दी गामा फॉर व्हाट यू कॉल डायटोमिक गैस, तो डायटोमिक के लिए 1 प्लस 2 बाय 5, मोनोटोमिक के लिए 1 प्लस 2 बाय 3, ट्राइटोमिक के लिए 1 प्लस 2 बाय 7 या 1 प्लस 2 बाय 6, ये डायरेक्टली फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला आया कहां से, ये नोट करेंगे, डिराइव करेंगे हम आज, ठीक है। एज वी नो दैट फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, 1 मोल अगर आइडियल गैस का लेंगे, देन इट्स टोटल एनर्जी, देन इट्स टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, क्या बनेगी इसकी टोटल एनर्जी, ई विल बी रिटन एज एफ आर टी बाय टू, 1 मोल के लिए, ये रहा ना इक्वेशन, एन मोल के लिए एन एफ आर टी बाय टू थी, तो यहां पे एफ आर टी बाय टू हो गई। अब मैंने लिखा टोटल एनर्जी, आई एम नॉट राइटिंग काइनेटिक एनर्जी, यहां पे क्या था, दिस वन व्हाट, काइनेटिक एनर्जी, मैंने इसको यहां टोटल एनर्जी बोल दिया। अब देखो कौन सी गैस ली मैंने, आइडियल गैस, आइडियल गैस के पास में जो टोटल एनर्जी होने वाली है, क्या वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ये वाली होती थी, बटे तो रियल गैस के लिए थी, आइडियल गैस में तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, बिकॉज आइडियल गैस में देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी वाला कोई कंसेप्ट नहीं आना। तो फॉर आइडियल गैस नोट करेंगे, फॉर आइडियल गैस टोटल एनर्जी होगी, दैट विल बी इंटायरली इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फॉर आइडियल गैस द टोटल एनर्जी विल बी इंटायरली इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक, वहां पे कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, रियल गैसेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी, क्योंकि आइडियल गैस मैंने शुरू में बोल ही दिया, तो इसकी टोटल एनर्जी क्या बनने वाली है, काइनेटिक के बराबर होगी, और काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर ऑनली, तो यहां पे ये टोटल एनर्जी किस पर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर ऑनली, ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहां पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के ऊपर भी डिपेंडेंसी आ रही है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के ऊपर भी आ रही है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, कितना कन्वर्ट किया मैंने यहां पे, फॉर्मूला एफ आर टी बाय टू लिख दिया,
यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर भी एनर्जी डिपेंड करती है। अब इसको ऐसे समझना नहीं है, फॉर्मूले में जरूर एफ आर है, बट ऐसे हम बोलेंगे नहीं कि भाई एनर्जी जो है वो एफ पर डिपेंड कर रही है। एफ का मतलब यहां पे क्या है, एफ का मतलब है कि एनर्जी जो होगी वो डिवाइड होगी इतनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में। एनर्जी डिपेंड किस पे करेगी, सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगी। मैं अभी भी उसी बात पे हूं, एनर्जी फॉर्मूले में देखिए ये मत बोल देना कि एफ पे डिपेंड कर जा रही है, देखने में लग रहा है कि एफ पे डिपेंड कर रही है बट ये एफ पे डिपेंड नहीं करेगी, एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में एनर्जी डिवाइड होगी। ये एफ फैक्टर यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ रिप्रेजेंट्स की यहाँ पे एनर्जी जो है वो कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में डिवाइड होगी। एनर्जी शेयर पे डिपेंड्स ऑन, ये कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑन, क्लियर होना चाहिए पॉइंट, ठीक है। तो एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो हमारे पास एफ आर टी बाई टू आ गया। क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं, क्या मैं इसको इंटरनल एनर्जी लिख सकता हूं, यू व्हाट इज यू हियर, इंटरनल एनर्जी। क्या इंटरनल एनर्जी वर्ड समझ में आ रहा है आपको, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस वॉज प्योरली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, याद करो थर्मोडायनेमिक्स, इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैस, यू फॉर आइडियल गैस वॉज प्योरली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, याद करो कराया था मैंने ये। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है सिर्फ आइडियल गैस के लिए, और टेम्परेचर पे यहां कौन डिपेंड कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या इसको हम टोटल एनर्जी को इंटरनल एनर्जी नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं, यानी गैस के जो मॉलिक्यूल्स है, ये हमारा कंटेनर है, कंटेनर में जो भी गैस मॉलिक्यूल्स है उनके पास जितनी भी एनर्जी है वो सारी की सारी किस फॉर्म में होगी, काइनेटिक की फॉर्म में होगी। द इंटरनल एनर्जी और द टोटल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल विल बी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारा यू का वैल्यू आ गया, देयरफॉर यू विल बी इक्वल टू एफ आर टी अपॉन टू आ गया। इसको हम क्वेश्चन नंबर वन बोल दे, क्वेश्चन वन बोल दे, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, ये हमने लिख दिया। अच्छा इसके बाद अब आपको मालूम होना चाहिए कि सीवी मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। सीवी का मैंने फॉर्मूला आपको बोला था, याद कर लेना, डीयू बाय डीटी, थर्मोडायनेमिक्स। जब मैंने सीवी इक्वल टू आर डिराइव करवाया था वहां मैंने ये चीज बताई थी आपको, अब मैं बार बार वो चीजें नहीं बताऊंगा। सीवी का वैल्यू फॉर्मूला होता है डीयू बाय डीटी। अब इसको करने के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना पड़ेगा, डीक्यू इज इक्वल डीयू प्लस पीडीवी, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, तो डीक्यू इज इक्वल डीयू ओनली, याद आ रहा है, डीक्यू इज इक्वल डीयू ओनली। तो हीट जो होगी वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी चेंज करने में यूज होगी, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फिर वो हीट कैपेसिटी वाला फॉर्मूला लगा था, सीवी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय एम डेल्टा डी, वहां से आता है रिलेशन, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो डीयू अपॉन डीटी, अब मैं इसको ऐसे लिखने जा रहा हूं, डी बाय डीटी, और यू की वैल्यू क्या है, यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ आर टी बाय टू। यू की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू एफ आर टी बाय टू। अब यहां देखोगे एफ आर बाय टू कॉन्स्टेंट है, एफ आर बाय टू कॉन्स्टेंट होगा ना, और डीटी बाय डीटी वन हो जाएगा, यानी एफ आर टू बाय टू हो जाएगा, यानी एफ आर टी बाय टू का डेरिवेटिव कितना आ गया, इट इज सिंपली एफ आर बाय टू, ये डेरिवेटिव आ गया। यानी सीवी की वैल्यू कितनी आ गई, सीवी इज इक्वल टू एफ आर बाय टू आ गई। इसको क्वेश्चन नंबर टू बोल देते हैं, बोलो क्लियर है। अब ऑल्सो वी नो दैट सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है, होता है ना, तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है, तो मैं सीपी इज इक्वल टू आर प्लस सीवी कर दूं, तो ये बन गया मेरा कितना, सीपी की वैल्यू निकल गई कितनी मेरे पास, सीपी इज इक्वल टू सीपी प्लस आर, तो सीपी की वैल्यू कितनी है, सीपी इज इक्वल टू एफ आर टी एफ आर बाय टू, तो यहां पुट कर दो एफ आर बाय टू प्लस आर, यहां से आर कॉमन करेंगे, वन प्लस एफ बाय टू आ गया, ये आ गया सीपी, ये आ गया सीपी। अब मेरे पास सीवी भी आ गया और मेरे पास सीपी भी आ गया, क्वेश्चन नंबर इसको तीन बोल देंगे। ऑल्सो हमें मालूम है गामा क्या होता है, गामा क्या होता है, सीपी बाय डब्ल्यू डिवाइड आपका रिजल्ट आ गया, गामा इज इक्वल टू सीपी बाय सीवी, यू विल डिवाइड एंड यू विल गेट द रिजल्ट, यू विल डिवाइड एंड यू विल गेट द रिजल्ट, सीपी बाय सीवी, चेक करके देखो एंड यू विल गेट द रिजल्ट क्लियरली। सो वी गेट गामा इज इक्वल टू सीपी बाय सीवी, एंड सीपी की वैल्यू कितनी आ रही, आर की है, सीपी इज आर इंटू वन प्लस एफ बाय टू,
डिवाइड बाय सीवी की वैल्यू कितनी थी एफआर बाय टू, आर से खत्म और ए टू ऊपर गया नीचे एफ रह गया, वन प्लस एफ बाय टू। चेक कर लो, अब मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूं, अरे यार सिंपल मैथ है, तो कितना हो गया इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, टू बाय इंटू वन अंदर मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे करेंगे, प्लस टू बाय इंटू एफ बाय टू, कट गया कितना आ गया टू बाय एफ प्लस वन। लो जी दिस इज द डेरिवेशन, ये डेरिवेशन गामा इज इक्वल टू बाय एफ प्लस वन एंड दिस वॉज अवर मोटिव, ये हमें प्रूव करना था जो हमने कर दिया। ओके सो ये डेरिवेशन एग्जाम में आती है, दो नंबर की डेरिवेशन है, क्लियर है, कोई रटाने वाला, बहुत इजी है। अब इसके बेस पे हम मोनो डाई ट्राइटॉमिक एसिड के स्पेसिफिक हीट रेशियोज निकाल लेते हैं, ठीक है क्लियर है, चलो निकाल लेते हैं। अब मैं इसको अरेज कर दूंगा, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन वी विल फाइंड आउट द हीट कैपेसिटीज ऑफ द वेरियस गैस मॉलिक्यूल्स। यस देखो फॉर मोनोटॉमिक, अगर मेरे पास मोनोटॉमिक गैस है, राइट, मोनोटॉमिक मतलब हीलियम नियॉन आर्गन एटसेट्रा, ठीक है जी, अगर ऐसी मेरे पास गैसेस है मोनोटॉमिक, तो मोनोटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी, तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन थी, तो गामा क्या बना इसका वन प्लस एफ टू बाय थ्री, है ना, कितना आ गया थ्री टू ये फाइव बाय थ्री आ गया, बोलो गामा की वैल्यू फाइव बाय थ्री आ गई फॉर द मोनो एटॉमिक गैस। बेटा मोनोटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू कितनी आ गई, गामा की वैल्यू आ गई हमारे पास फाइव बाय थ्री फॉर मोनोटॉमिक गैस। एंड सिमिलरली फॉर डायटॉमिक गैस, डायटॉमिक के लिए F की वैल्यू कितनी थी फाइव, कुछ नहीं करना आपको, F की वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। गामा कितना है, गामा इज इक्वल टू वन प्लस टू बाय फाइव, यानी ये सॉल्व करेंगे कितना हो गया सेवन बाय टू, यानी गामा इज इक्वल टू सेवन बाय टू फॉर द डायटॉमिक, सॉरी सेवन बाय फाइव, सेवन बाय फाइव दिस इज द वैल्यू ऑफ द गामा फॉर डायटॉमिक। एंड फॉर ट्राइटॉमिक नंबर थ्री पे आ गया हमारा, फॉर ट्राइटॉमिक, अब ट्राइटॉमिक में जो क्या कैटेगरीज आ गई, वन इज लीनियर अदर इज दी नॉन लीनियर, ध्यान रखना है सारी कैलकुलेशन किसके लिए हो रही है, फॉर द गैसेज एट मॉडरेट टेम्परेचर नॉट एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स और किस्म की चलेगी, वहां पे काइनेटिक थ्योरी थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, हमारे सिलेबस में नहीं इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पे, राइट। सो लीनियर जो होगा हमारे लिए उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या थी सेवन थी, गामा कितना गया वन प्लस टू बाय सेवन यानी कि नाइन बाय सेवन गामा गया, और इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम छह थी तो गामा की वैल्यू वन प्लस टू बाय सिक्स यानी कि वन बाय थ्री आ गया, राइट, तो वन प्लस वन बाय थ्री यानी कि आ गया फोर बाय थ्री गामा की वैल्यू, ठीक है जी। अब इसमें और क्या पूछ सकता है वो आपसे, इसमें आपसे वो पूछ सकता है कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर द डायटॉमिक गैस या फॉर द मोनोटॉमिक गैस या फॉर द ट्राइटॉमिक गैस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो कैसे निकलेगी, वो कैसे निकलेगी, आओ उसको भी दिखा देता हूं मैं, इसको इरेज कर दूं, इरेज करो बस, वैसे तो खत्म है, ये एडिशनल बता रहा हूं मैं आपको, अगर कोई बोले आपसे कि भाई स्पेसिफिक हीट कैसे निकालेंगे, तो कैलकुलेशन ऑफ सीपी एंड सीवी फॉर मोनो डाई एंड ट्राई एटॉमिक गैसेस। चलो मोनोटॉमिक का एग्जांपल लेता हूं, फॉर मोनोटॉमिक बेटा मोनोटॉमिक के लिए हमारा सीवी कितना आया था, सीवी की वैल्यू क्या थी, सीवी क्या आया था मेरे पास एफ आर बाय टू था, और सीपी की वैल्यू क्या थी आर इंटू वन प्लस, चेक करो एफ बाय टू, चेक करो यही था ना, आर इंटू वन प्लस एफ बाय टू, चेक कर लो यही था ना, yes, अब हमें यहाँ पे F की वैल्यू पुट करनी है, F की वैल्यू कितनी होगी मोनो के लिए थ्री, तो CB की वैल्यू कितनी आ गई थ्री आर बाय टू,
सीपी की वैल्यू क्या होगी, आर इंटू वन प्लस थ्री बाई टू, यानी कि आगे तुम्हारा कितना 5 R/2 सीपी। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेता है, कैलकुलेट दी हीट कैपेसिटी फॉर मोनो डाई ट्राइटॉमिक गैसेस, और वो आप ऐसे निकाल सकते हैं फॉर डायटॉमिक गैस, चलो निकाल लेते हैं फॉर डायटॉमिक। बेटा डायटॉमिक के लिए क्या होने वाला है, डायटॉमिक के लिए आपका एफ की वैल्यू कितनी होगी 5, तो ये डिग्री, ये सीपी की वैल्यू कितनी बन गई 5 R/2, और सीपी की वैल्यू बन जाएगी आपके पास आर इंटू वन प्लस 5 R/2, यानी कितना आ गई 7 R/2 सीपी। एंड सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट फॉर ट्राई एटॉमिक गैसेस, और ये मैं आपके लिए आज होमवर्क छोड़ रहा हूं, आप ट्राई एटॉमिक गैस के लिए सीपी और सीबी का वैल्यू निकालो, एंड यू पीपल डू राइट नाउ, ठीक है। और जो ऑनलाइन देख रहे होंगे बच्चे, वो आप इसको अपने घर से सॉल्व करें, ओके।